अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अरसलान रशीद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पिरकन रिएक्शन। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पिरकन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका मैकेनिज़म स्टडी करेंगे, और लास्ट पे हम पिरकन रिएक्शन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पिरकन रिएक्शन के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पिरकन रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। दो मॉलिक्यूल्स में पहला मॉलिक्यूल जो होता है, दैट इज़ एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके साथ रिएक्ट करता है, दैट इज़ एसिडिक एनहाइड्राइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिडिक एनहाइड्राइड दोनों एक दूसरे के साथ बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट आती है, दैट इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। पिरकन रिएक्शन बेसिकली एक अल्डोल टाइप कंडेंसेशन है। पिरकन रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाले जो बेसिस हैं, दैट इज़ सोडियम एसीटेट एंड पोटाशियम कार्बोनेट। इस स्लाइड में आप पिरकन रिएक्शन की जर्नल रिएक्शन इक्वेशन देख सकते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए हैं, फर्स्ट वन इज़ बेंजाल्डिहाइड, जो कि बेसिकली एरोमेटिक एल्डिहाइड है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, दैट इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली एक एसिडिक एनहाइड्राइड है। बेंजाल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों एक दूसरे के साथ पोटाशियम एसीटेट की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे, जिससे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगी, दैट इज़ सिनामिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप पिरकन रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज़म देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, दैट इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड में ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो कार्बोनल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये अपने साथ अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जिससे अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अल्फा कार्बन अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, ये अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ बॉन्डेड अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी, जिससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने से अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे, तो बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगी, जिससे इस अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन और कार्बोनल कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन और कार्बोनल कार्बन के दरमियान शिफ्ट होने से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। इससे जो हमारे पास आयन बन रहा है, दैट इज़ इनोलेट आयन। सेकंड स्टेप में इनोलेट आयन बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। इनोलेट आयन की ये ऑक्सीजन जो है, अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, ये इस कार्बन के साथ बाई बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा इसको लोन पेयर डोनेट करेगी। कार्बोनल कार्बन और अल्फा कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन बेंजाल्डिहाइड की कार्बोनल कार्बन पर अटैक करेंगे। बेंजाल्डिहाइड की कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनोलेट आयन की कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड दोबारा बन गया। इनोलेट आयन की
कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने जब बेंजल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया तो अल्फा कार्बन और बेंजल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन गया। बेंजल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। ये ऑक्सीजन अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के दूसरी कार्बोनिल कार्बन पे अपने लोन पेयर को डोनेट करेगी, जिससे ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएंगी। इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। ये ऑक्सीजन अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी। ये इस कार्बन के साथ दोबारा पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको लोन पेयर डोनेट करेगी, जिससे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन और इस कार्बोनिल कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के इस कार्बन पे दोबारा वापस आने से इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान दोबारा पाई बॉन्ड बन गया। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया और इस कार्बन और ऑक्सीजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान दोबारा वापस आने से इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान दोबारा पाई बॉन्ड बन गया। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। स्टूडेंट्स, ये वाली ऑक्सीजन अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी। ये दूसरे एसिटिक एनहाइड्राइड की कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगी, जिससे इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ से एसीटेट जो है वो लीव कर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया और यहाँ से एसीटेट जो है लीव कर गया। अब जब हम इसमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इस वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, जिससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा और इससे ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। जब हम इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेगा। इससे इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाली कार्बन जो है अपना बॉन्ड इस ऑक्सीजन से ब्रेक कर लेगी। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, जिससे यहाँ से एक और एसीटेट आयन जो है वो निकल जाएगा। ओवरऑल क्या हो रहा है, OH और H के मिलने से वाटर बन रहा है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट होने से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ से एसीटेट आयन जो है वो लीव कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ गया। जो एसीटेट आयन यहाँ से रिलीज होगा वो एसीटेट आयन जो है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान जो है दोबारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एसीटेट आयन जो है इस कार्बन के साथ लिंक कर गया, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाली ऑक्सीजन जो है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर बियर नहीं करेगी, ये इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगी, जिससे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो लीव कर गया। लास्ट स्टेप में जब हम इस आयन का एसिडिक वर्कअप करेंगे तो ये वाली ऑक्सीजन जो है एसिडिक वर्कअप के नतीजे में हाइड्रोजन गेन कर लेगी, जिससे जिस OH में चेंज हो जाएगी, और इससे बनने वाली ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगी दैट इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ वाली बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा और बीटा पोजीशन जो है ये अनसैचुरेटेड है। स्टूडेंट्स, अब हम पिरकन रिएक्शन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। पिरकन ने 1868 में क्यूमरन नामी कंपाउंड की सिंथेसिस को रिपोर्ट किया। क्यूमरन बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल एंड एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज़ रखता है। पिरकन ने क्यूमरन को सिंथेसाइज करने के लिए दो कंपाउंड को यूज़ किया। फर्स्ट वन वाज सैलिसल्डिहाइड एंड सेकंड मॉलिक्यूल दैट ही यूटिलाइज्ड वाज एसिटिक एनहाइड्राइड। जब उसने सैलिसल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का एक दूसरे से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, तो उससे ये वाला कंपाउंड हासिल हुआ। बेसिकली ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी, जिससे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये वाली ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन लेने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाएगी। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस रिएक्शन में ओवरऑल यहाँ से एसीटाइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये वाली ऑक्सीजन जो है एसिडिक वर्कअप से हाइड्रोजन लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे ओवरऑल कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH रिमूव होगा, जिससे वाटर रिलीज हो जाएगा, और इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। लास्ट पे इस कंपाउंड से दोबारा डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, जिससे वाटर रिलीज होगा, और ये वाली जो ऑक्सीजन है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ लिंक करके रिंग फॉर्मेशन कर देगी, जिससे फाइनल कंपाउंड क्यूमरन बन जाएगा। इस स्लाइड में आप पिरकन रिएक्शन की सेकंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ वारफेरिन। वारफेरिन बेसिकली एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि खून को क्लॉट नहीं होने देता। ये स्पेशली उन एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो स्लो होती है। स्लो ब्लड सप्लाई में ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब हम वारफेरिन एसजीओकों पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर खून जो है एसजीओकों पे क्लॉट नहीं होता। वारफेरिन को सिंथेसाइज करने के लिए बेसिकली हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ क्यूमरिन यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ क्यूमरिन सिंथेसाइज करने के लिए पिरकन रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। जब ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ क्यूमरिन जो है इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो इससे
जो हमारे पास फाइनल कंपाउंड बनता है, डेट इज वारफेरिन।